हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ हमारा सब पर से यकीन उठ जाता है, हमें किसी पे भरोसा नहीं रहता, रिश्ते खोखले लगने लगते हैं, दोस्ती प्यार जैसे शब्द भी केवल भ्रम लगने लगते हैं। और इसमें ना यार कुछ सही नहीं है ना कुछ गलत है, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। बिना कुछ एक्सपीरियंस किए तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते। तुमने किसी रिश्ते में एफर्ट्स डाले, बहुत डाले, आगे से नहीं मिले, तुम रोए, तुम डिप्रेशन में भी गए, तुम्हारी पढ़ाई खराब हुई, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की वाट लग गई, तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए, उसका कुछ नहीं गया, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होगा किसी के साथ बिना तुम्हारे बारे में एक बार भी सोचे। जितना बुरा हो सकता था हो लिया, अब समझने की बारी है। देखो यार, किसी भी रिश्ते की शुरुआत अच्छी होती है, हम ठोकरे खाकर फिर से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, तो इसमें गलती हमारी है, उनकी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जो अब हमारे साथ है वो हमें अच्छा ट्रीट कर रहा है तो वो अच्छा ही होगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसके साथ हम पहले थे वो भी शुरुआत में हमें अच्छे से ही ट्रीट करता था। मसला तो अंत तक अच्छा बने रहने का है ना। देखो सबका नहीं कहूँगी, कुछ एक दो रिश्ते अच्छे निकल जाते हैं, बाकी सब वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। इसलिए बार बार किसी पर विश्वास करके धोखा खाने से अच्छा है खुद को पत्थर कर लो, खुद के आस पास ऐसी दीवारें बना दो कि कोई चाहकर भी उन्हें पार ना कर सके। खुद की वैल्यू करना हमारे खुद के हाथ में ही होता है, कोई फायदा नहीं एक तरफा एफर्ट्स डालने का। शुरुआत में सब रंगीन ही दिखता है, बाद में जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसमें कैसे इफेक्ट्स डालकर, कैसे रंग भरकर इसमें एस्थेटिक वाइब्स लेते हो। ऐसी अटैचमेंट में अब खुद को मत डालो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। यार लोगों का ना कुछ नहीं जाता, लॉस तुम्हारा ही होगा, लॉस हमारा ही है, इसलिए अब बस खुद पर ध्यान दो, खुद को इतना बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लग जाओ ना कि एक वक्त बाद जब खुद से नजरें मिलाओ ना तो तुम खुद से कह सको कि हाँ मेरी वजह से किसी का बुरा वक्त नहीं आया, मैं किसी के बुरे वक्त का कारण नहीं बना।